क्या आपको पता है, जब हम लॉर्ड बुद्धा को यानी गौतम बुद्धा की प्रतिमा को जब देखते हैं तो उनके सिर पे घुंघराले टाइप के बाल दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बाल होते ही नहीं है, यानी वो हेयर है ही नहीं। तो आखिर वो है क्या? क्या आपको पता है, दुनिया की झुकी हुई मीनार जो कि पीसा यानी इटली में है, लेकिन उससे भी झुकी हुई मंदिर हमारे भारत में है जो उससे बहुत ज़्यादा झुकी हुई है। तो ऐसे ही बेस्ट 12 अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। फैक्ट नंबर फर्स्ट, क्या आपने कभी मनुष्य और पक्षियों के बीच में युद्ध का नाम सुना है? तो यह हुआ ऑस्ट्रेलिया में, हुआ और 1932 में हुआ, और इसका नाम दिया गया द ग्रेट यूमी वार। इसमें क्या हुआ कि जो यूमी नामक पक्षी है, वो यूमी पक्षी अपने ग्रुप में करीब 20,000 यूमीज वो किसान के खेतों की तरफ माइग्रेट हो गए, जिसके कारण उनके खेत में जो भी फसल थे वो फसल उनका बर्बाद कर दिया, और साथ में वो खेत का कुछ पैटर्न चेंज कर दिया, जिसके कारण रैबिट यानी खरगोश और चूहों को आसानी हो गया खेत में इंटर करना, जिसके कारण खरगोश और चूहे भी उस खेत को बेकार कर देते। तो वहाँ के लोगों ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात की, और उन्होंने कुछ सैनिक भेजे, और वो सैनिक मिथगन यानी मशीन गन के साथ उस यूमी के साथ लड़े, लेकिन फाइनली ये हुआ कि यूमी की जीत हुई और आर्मी हार गई। फैक्ट नंबर सेकेंड, क्या आपको पता है, जब कोई ओमेंस प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो बेबी होता है वो बेबी भी अपनी माँ की मदद करता है। माँ तो उसको न्यूट्रिएंट्स देती रहती है, जिसके कारण उसका डेवलपमेंट होता रहता है, और वो न्यूट्रिएंट्स एक आर्गन्स की मदद से आता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। वो प्लेसेंटा उसके यूटेरस में होता है वुमेन के, और उसके माध्यम से जो भी न्यूट्रिएंट्स और जो भी डाइजेस्टेड फूड्स होते हैं जो बेबी के अंदर जाते रहते हैं। लेकिन बेबी भी मदद करता है, अगर वुमेन को कोई प्रॉब्लम हो गया यानी उसकी माँ को कोई आर्गन डैमेज हो गया, जैसे कि हार्ट में ज़्यादातर कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो उस समय बेबी अपने बॉडी से स्टेम सेल्स भेजता है, और ये स्टेम सेल्स जो ये आर्गन्स होते हैं यानी डैमेज आर्गन्स, उनको ये रिपेयर करता है, और इस प्रकार बेबी भी अपनी माँ की मदद करता रहता है जब वो माँ के गर्भ में होता है तब। और स्टेम सेल एक प्रकार का स्पेशलाइज ह्यूमन सेल होता है जो कि हमारे बॉडी में होता है, और ये अलग अलग सेल्स के रूप में चेंज हो सकता है यानी डेवलप हो सकता है, जैसे कि मसल सेल्स और ब्रेन सेल, और भविष्य में इससे हम बड़े बड़े बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं इस स्टेम सेल की मदद से। फैक्ट नंबर थर्ड, क्या आपने कभी रेड बनाना देखा है? रेड बनाना टेस्ट में स्वीट क्रीमी बनाना है, यह हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। यह किडनी के स्टोन से हमें बचाव करता है, क्योंकि इसके में ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाए जाते हैं, और यह वजन कम करने में भी मदद करता है, और दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए भी ये लाभदायक है। यह रेड बनाना मेनली ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और मैक्सिको कंट्री में पाए जाते हैं, और यह प्रजाति भारत के केरल में भी देखने को मिली है। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है, अमेजान जंगलों में जो बटरफ्लाई होते हैं यानी कि बटरफ्लाई तितलियाँ, यह वहाँ पर जो कछुए होते हैं उनका यह आंसू पीती रहती है, यानी टर्टल्स का ये आंसू पीती है यानी टीयर्स को पीती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनका टीयर्स होता है उस टीयर्स में ज़्यादा मात्रा में साल्ट्स मिलते हैं, और यह साल्ट्स इन बटरफ्लाई के लिए आवश्यक होता है, और वो इस साल्ट को वहाँ से लेती हैं, जिनके कारण इनके डाइट्स में सोडियम की मात्रा की नीड कम्प्लीट होती है यानी ज़रूरत पूरी होती है। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है, एक ऐसा भी अफ्रीकन प्लांट्स है जो यह बताता है कि मिट्टी के अंदर डायमंड्स है। उस प्लांट का नाम है पेंडेनस कैंडेलर बरम। वो सिर्फ उस जगह पर होता है जहाँ पर मिट्टी के अंदर यानी डायमंड्स यानी हीरे की मात्रा है, जैसे कि किम्बरलाइट सॉइल, उन जगहों पर यह होता है। फैक्ट नंबर सिक्स, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 लीटर यहाँ पे आयरन लिक्विड है और यहाँ पर 1 kg आयरन है, तो आप यानी किसका वेट अधिक होगा? तो बहुत से लोग 1 kg आयरन को फेवर करेंगे कि 1 kg आयरन का वेट ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आयरन की डेंसिटी होती है वो 7.873 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, यानी 1 cm³ में आपका 7.8 ग्राम आयरन होता है। तो इस प्रकार अगर आप 1 लीटर आयरन का लिक्विड फॉर्म लेते हो तो उसमें आपको करीब 7.8 kg आयरन मिल जाएंगे, जो कि 1 kg आयरन से 8 times यानी करीब 7.8 times ज़्यादा है। तो 1 लीटर आप आयरन लोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आपको पता है, जब मेडिवियल टाइम्स था यानी कुछ समय पहले, जो जापानीज लोग होते थे वो अपने दांतों को ब्लैक कलर से डाई करते थे यानी ब्लैक कलर से डाई करते थे यानी रंगते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम मानते थे कि यह दांतों के डीके यानी दांतों के ख़राब होने से बचाता है, यानी टूथ डीके से इनको रोकता है, और यह पहले बहुत कुछ समय तक फेमस रहा, लेकिन इस टाइम यह पूरे गायब हो गया है। इस समय यह नहीं है कम्प्लीटली वहाँ पर, और यह कलर उनके ब्यूटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण ये अपने दांतों को ब्लैक करते थे।
फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है जब कभी हम लॉर्ड बुद्धा यानी गौतम बुद्ध भगवान के सिर पर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बाल हैं घुंघराले, लेकिन एक्चुअली में ये घुंघराले बाल हैं ही नहीं। तो आखिर ये हैं क्या? ये हैं 108 घोंगा, जिनको हम स्नेल्स बोलते हैं, जो कि लैंड पर यानी डिजर्ट में पाए जाते हैं और समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। आखिर ये स्नेल्स क्यों बनाए गए प्रतिमा में? तो ये इसलिए बनाए गए, जब लॉर्ड बुद्ध यानी गौतम बुद्ध भगवान जब मेडिटेशन करने रहते हैं अपने इनलाइटमेंट के लिए यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो उस टाइम जिस समय वो जहाँ पर मेडिटेशन करते रहते थे वहाँ पर यानी चिलचिलाती गर्मी होती थी, जिसके कारण ये घोंगा, यह माना जाता था कि ये घोंगा इनके सिर पर चले गए और वहाँ पर जाकर ये बैठ गए और उनको कूलनेस ठंड प्रोवाइड किया, जिसके कारण इनका मेडिटेशंस यानी जो मेडिटेशन से वो भंग ना हो और इनको कूलनेस मिले, जिसके कारण ये अपने लाइफ का सेक्रीफाइस कर देती है ये 108 स्नेल्स। तो आप हर जगह देखोगे कि इनके सिर पर करीब 108 स्नेल्स बने होते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है दुनिया के सबसे हेल्थीएस्ट पर्सन वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है जापान का एक आइसलैंड जिसका नाम है ओकिनावा आइसलैंड। वहाँ पर करीब 450 पीपुल्स अब जी रहे हैं 100 ईयर के एज के ऊपर, और इनका हेल्थ ही सबसे बेटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनका खान पान है वो मेनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हाई न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन वाले चीज़ें खाते हैं, जिनके कारण इनके बॉडी का हेल्थ बना रहता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी ग्रीन ब्लड्स देखा है? तो यह घटना घटी थी करीब 2007 में, जब सर्जन ऑपरेट कर रहे थे एक 42 साल के कैनेडियन मैन को। तो जैसे ही वो उसका शरीर का यानी कुछ सर्जरी कर रहे थे तो उस टाइम उनको डार्क ग्रीन ब्लड देखा जो कि उसके आर्टरी यानी धमनी से बाहर आ रहा था। वो शॉक हो गए, आखिर ये है क्या? तो इन्होंने इस ब्लड को लैब में टेस्ट के लिए भेजा, तो वहाँ पर जानकारी मिली कि ब्लड का डिसकलरेशन यानी ब्लड में जो डिसकलरेशन आया है वो मेनली आया है सल्फ हीमोग्लोबिनेमिया के कारण, जो कि जब सल्फर का कोई एटम्स इस ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो जिसके कारण यह ब्लड रेड से ग्रीन हो जाता है। तो मेन रीजन था सल्फर एटम्स कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन से, जिसके कारण एक सल्फ हीमोग्लोबिनेमिया कंडीशन डेवलप होता है, जिसके कारण बॉडी का ब्लड ग्रीन हो जाता है। फैक्ट नंबर 11, अगर आप पानी के अंदर करीब 30 फीट नीचे जाओ तो आपका जो ये ब्लड वेसल्स है उसको आप अगर देखोगे तो वो ब्लड वेसल्स आपका जनरली ग्रीन दिखाई देगा। और ये मेनली क्यों होता है? क्योंकि जो आपके शरीर में यानी आपके ब्लड में जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं यानी ग्रीन कलर के, वो मेनली रिफ्लेक्टेड होते हैं, उसी कारण आपका यह ग्रीन कलर आपकी नसों का दिखाई देता है। और आप उससे ज़्यादा नीचे चले जाओ यानी गहरे चले जाओ तो धीरे धीरे कलर ब्लैक में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्लड का कलर एक्चुअली में चेंज होता नहीं है, यह सिर्फ लाइट के कलर के चेंजेस के कारण आपका यह ब्लड का कलर अलग अलग दिखता है। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे ऊपर आओ तो फिर आपका ब्लड का कलर रेड हो जाएगा। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है जो पीसा में झुकी हुई मीनार है यानी लीनिंग टावर, उससे भी ज़्यादा झुका हुआ एक मंदिर हमारे भारत में है, वो मंदिर है बनारस में। उस मंदिर का नाम है रत्नेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि मणिकर्णिका घाट पर है। और यहाँ का जो ये मंदिर है वो करीब 9 डिग्री झुका हुआ है, जैसे कि हम टावर ऑफ पीसा है वो सिर्फ 4 डिग्री है, लेकिन ये इससे ज़्यादा यानी 9 डिग्री झुका हुआ है, 9 डिग्री झुका हुआ है। और मंदिर का जो पवित्र स्थान है वो पानी यानी गंगा जल के अंदर है। और आप जानते हो रत्नेश्वर महादेव टेम्पल जाके देख सकते हो, यह मंदिर टिल्टेड है। और यह माना जाता है कि जब राजा मान सिंह के एक नौकर ने यानी अपनी माँ का ऋण चुकाने के लिए एक मंदिर बनाया था, और बनाने के बाद उन्होंने जैसे ही अपने लिप से एक वर्ड बोला, अब माँ का ऋण पूरा हो गया, के बाद वो मंदिर धीरे धीरे झुक गई और वो पानी में थोड़ा हो गई, जिसके कारण यह लोगों ने माना कि माँ का ऋण आप कभी नहीं पूरा कर सकते हो, जिसके कारण मंदिर थोड़ा लीन यानी झुक गई और वो करीब 9 डिग्री झुक गई। और इस मंदिर को काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है। पीसा का टावर है यह 4 डिग्री पर झुका है लेकिन ये कभी गिरता नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसमें आर्किटेक्टर्स लगे हुए हैं वो ऐसा इसको बैलेंस किए हुए हैं कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके सीधे बेस के बीचों बीच में यानी नीचे का जो बेस होता है उसके बीचों बीच में है, जिसके कारण पूरा टावर आराम से 4 डिग्री पर स्टैंड रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए अमेजिंग फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।